हाउ टू ड्राइव अ टैग्रो बाइक, ठीक है, आप उसे कैसे ड्राइव कर सकते हो। ब्लॉग के अंदर, ठीक है जी, तो आपको भैया वापस आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ड्राइव अ टैग्रो बाइक, ठीक है, आप उसे कैसे ड्राइव कर सकते हो, एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है ड्राइव करने के बाद, उसकी फिटिंग में सारी चीजें आप लोगों से शेयर करके दूंगा, जंप से भी गुजार के दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज शायद आखिरी दिन भी हो सकता है उसको शौक से वापस लगा लें शायद, ठीक है। तो आज सारे एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों को आगे मैंने नाइट में चला के दिखाई थी, आज आप लोगों को दिन में भी चला के दिखाऊंगा रोड के ऊपर कितनी खूबसूरत लगती है। तो चलते हैं ट्रैक्टर से रोड के ऊपर चलाते हैं, आप लोगों को चेक करवा आप लोगों को गुजार के दिखाने लगे हैं वहाँ से सामने थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह भी, और आप लोगों को वीडियो भी वहाँ से चेक कराते हैं कैसे गुजरती है। तो चेक कर आप लोगों ने कर लिया है, चेक कर लो, नहीं गुजर सकती कहीं से भी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को लोकेशन के ऊपर जाके और उस चीज़ें वगैरह भी इसकी चेक वगैरह करवा देता हूँ। डैशबोर्ड विच कैश चोपरो करते फिरते ऐशा, मोटे मोटे रिम चाड़ के चक्की फिरते थारा, हाँ घूम घूम के लोग देखते तंग रहतिया नारा, गड्डी तेरी हो रखती तेरी केड़ी। आपका भैया लोकेशन के पास आ चुका है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को सारे एक्सपीरियंस वगैरह बता देता हूँ क्या क्या इस बाइक के साथ मेरे रहे हैं, ठीक है, और इसकी फिटिंग वगैरह मैं बताता हूँ क्या इसकी फिटिंग वगैरह है और क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ और क्या क्या बाइक को कोई नुकसान होता है कि नहीं होता, सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर वगैरह कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो जंप का जो एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर वगैरह कर दिया, दिखा भी दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादातर जो जंप है ना उनके ऊपर ये इतना ज़्यादा फंसती नहीं है, ठीक है, कोई कोई जंप है जिनके ऊपर थोड़ा सा फंसती है लेकिन आराम से निकल भी जाती है, लेकिन ज़्यादा फंस भी जाती है, कुछ नहीं कह सकते, ये आप लोगों के चलाने के ऊपर है। और बाकी इतना इसको चलाने से में कोई इतना वो नहीं होता, ख़तरा वगैरह नहीं है, इसको स्लो भी चला सकते हो, तेज़ भी चला सकते हो, और स्पीड एक चीज़ का मैंने साथ लगाया कि स्पीड बहुत ज़्यादा ना अच्छी बनती है इसे डाउन करने के ऊपर, लेकिन आप लोगों की जो कमर है ना उसको हो जाता है भाई लोग बुरा हाल, ठीक हो गया, एक ये चीज़ हो गई है। और ऊपर से इसके इतने कोई साइड इफेक्ट तो नहीं मुझे इतने लगे, बस यही है कि एक जंप का इशू इसमें आता है और आपकी कमर का इशू आ सकता है। बात कर लें इसकी फिटिंग की कि क्या इसकी फिटिंग वगैरह होती है, तो मैं आप लोगों को चेक वगैरह करवा देता हूँ। दो नट आपने लेने हैं, इसको लगते हैं 12 नंबर के, आपने 14 नंबर के, नंबर तो ऐसे कुछ नहीं था, आपने खुले नट लेने हैं, आपने दो नट यहाँ पर लगेंगे, एक जैन में यहीं पर लगेगा, वाशलाइन के साथ आती हैं, और दूसरी साइड का भी लगभग ये सीन है, यहाँ पर मैंने मोटीगेज का नट लगाया हुआ है, ठीक है, वाशलाइन वगैरह वही है सारी, ठीक है। और ये नट आपने साथ इसके इसलिए लगाने ताकि जब आप दोबारा जनरल फिटिंग करो तो आपको इतना मसला वगैरह ना आए, ठीक है। अब मैंने बस वो नट उतारने हैं, उन्हें फिक्स कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसे 1 वीक चलाया वैसे तो, और मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा ही रहा, बस जंप वगैरह में थोड़ा सा मसला वगैरह करती है और ख़राब सड़क वगैरह पर मसला वगैरह करती है, वैसे तो स्मूथ होकर चलती है, ठीक है, हो गया। बस मैंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अब मैं भी जनरल शॉफ वगैरह से शायद लगा लूँ, लगाएं तो मैंने ज़रूर है, ठीक है, बस मैंने एक्सपीरियंस लेना था वो मैंने ले लिया, ठीक है जी। तो बस वीडियो करते हैं एंड, आई होप आप लोग सब मुझे समझ आ गई होनी है, ठीक है। 1 वीक मैंने चलाया, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था फिटिंग का सारे एक्सपीरियंस वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर वगैरह कर दी है, हर चीज़ आप लोगों से शेयर वगैरह की है, और आई होप आप लोगों की चीज़ पसंद भी आई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा भी है इसे और बहुत सारे लोगों को पसंद वगैरह भी आई है, ठीक है। तो बस वीडियो करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी करना, वीडियो को शेयर लाजमी करना, दोस्तों को जो लोग सब्सक्राइब लाजमी करना, बैक होंगे याद, अल्लाह हाफिज़।